Good morning and welcome to you all in the online class. So today we are going to start chapter 3, Our Changing Earth. So let's start our topic. पिछले क्लास में हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ा था और ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग अर्थ, मतलब पृथ्वी किस तरह से बदलते रहता है। तो ये चैप्टर 3 है। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, इसके बाद में वोल्केनोस, ये फिर अर्थक्वेक और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ये सब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हजारों साल पहले लोगों को ये विश्वास था कि दैट द कॉन्टिनेंट वेयर फिक्स्ड इन दर पोजिशन। हजारों साल पहले लोग ये विश्वास करते थे कि जो भी महादेश है वो फिक्स्ड है, अपने जगह में फिक्स्ड है। लेकिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हाउएवर वाज नॉट ऑलवेज सेम। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम नहीं रहा, बराबर नहीं रहा ऑन द, जैसा कि आजकल है ऑन द अर्थ सर्फेस। जैसे इन 1912 में अल्फर्ड वेगनर, ये कौन थे? अल्फर्ड वेगनर जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये जर्मनी का रहने वाले थे, मौसम वैज्ञानिक। इन्होंने कोशिश किया कि ये एक्सप्लेन, ये बतलाने के लिए कि जो आजकल का जो ये जो विभाजन है कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बीच में, सागर महासागर और ये कॉन्टिनेंट के बीच में, महादेश के बीच में, महादेश और महासागर के बीच में, ही प्रपोज्ड, और उन्होंने ये कहा कि आज से लाखों साल पहले, मिलियंस मतलब लाखों साल, 10 लाख, लाखों साल पहले पृथ्वी में दो भाग था पृथ्वी में, एक पानी का भाग और दूसरा ये क्या बोलता है, भूमि का भाग। जो भूमि का भाग था वो एक था, उसे कहा जाता बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, ओनली वन कॉन्टिनेंट वाज देयर, एक ही कॉन्टिनेंट था, और उसे कहा जाता था पेंजिया, उसे कहा जाता था पेंजिया। ये किसका कहना? अल्फर्ड वेगनर का कहना। और ये इन्होंने सजेस्ट किया कि बाद में वो चल के पेंजिया जो है वो टूट गया, विखंडित हो गई और ये बहुत सारे भागों में बट गया। जो बड़े 7 बड़े भागों में बटा है वो हो गया कॉन्टिनेंट, और जो छोटे भागों में बटा वो सब है कंट्री है। तो ये किसका कहना था? ये वेगनर, ये अल्फर्ड वेगनर का मुताबिक। अब वेगनर थ्योरी, और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का नाम था वेगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसी से आजकल का जो थ्योरी जो दिया है, इनका वेगनर थ्योरी को मिला के और एक था आइडिया ऑफ स्लिप सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी एक थ्योरी है स्लिप, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को कौन दिया था? ये देने वाला, इसका जो ये था देने वाला, सिद्धांत देने वाला ये, उसका नाम था हैरी हैस, HARRY, हैरी, HESS, हैस, हैरी हैस। और ये दोनों थ्योरी के मिला के थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और वेगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, दोनों को मिला के एक नया थ्योरी आजकल का साइंटिस्ट लोग बनाया, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। दोनों का सिद्धांत लेके, हैरी हैस का सिद्धांत और वेगनर का सिद्धांत मिला के एक नया थ्योरी बनाया, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब इसी के ये से, इसी के हिसाब से थ्योरी ऑफ ये प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले था एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस, पृथ्वी में बदलाव आने के कारण दो कारण बतलाएगा, दो बल, एक है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्स क्या चीज़ है, जो कि पृथ्वी का अंदर से,
उत्पन्न होता है ये, और ये बाहर में बदलाव करता है। पृथ्वी के अंदर में ये बल उत्पन्न होता है और बाहर में पृथ्वी के सतह में ये बहुत सारा बदलाव करता है। तो इसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस जो है ये कहाँ पे है, इट ऑपरेट इनसाइड। और जो फोर्सेस जो है, जो फोर्स ऑपरेट करता है आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड ब्रिंग चेंजेस, इज कॉल्ड एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल, एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या चीज़ है, वो ये बाहर में सतह, पृथ्वी के सतह में काम करता है और ये बदलाव लाता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी देखो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है, एंडोजेनिक मतलब इनसाइड, जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है वो क्या करता है, पृथ्वी को अपलिफ्ट करता है, मतलब कहीं से पृथ्वी का कोई भूभाग जो है ऊपर उठा देता है, जैसे पहाड़ हो गया। और सबसाइड, सबसाइड मतलब वो धस जाता है, जमीन जो धस जाता है, जैसे का लैंडस्लाइड हो गया तो वो हो जाता है। इसके बाद द अर्थ सरफेस वाइल एक्सोजेनिक फोर्सेस ट्राई टू लेवल, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है ये क्या करता है, पृथ्वी को बराबर करता है, कहीं पे जो गड्ढा है वो गड्ढा भर जा, कहीं पे दरार है वो दरार को भर देता है, मतलब वो लेवल करने में, बराबर करने में लगा रहता है एक्सोजेनिक फोर्स। कहीं पे पहाड़, पहाड़ कट गया तो पहाड़ कट गया तो वहाँ पे वो बराबर कर देगा, तो वही है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट। एंडोजेनिक जो फोर्स है वो अचानक से भी हरकत कर सकता है या धीरे धीरे भी हरकत कर सकता है या दोनों कर सकता है। और दिस फोर्सेस ऑल्सो कॉज हॉरिजेंटल वर्टिकल मूवमेंट। और ये दोनों मूवमेंट कर सकता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट भी कर सकता है, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, इस तरह से सीधा, और नहीं तो खड़ा, ये हो गया क्या हॉरिजेंटल, अगर सॉरी वर्टिकल मूवमेंट तो कोई तरह से कर सकता है। तो थैंक यू, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अदर, दैट इज अबाउट द व्हाट इज फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट। थैंक यू।